हेलो नमस्कार दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है रोज़गार विभाग से। श्रम एवं रोज़गार विभाग ने साइन किया MOU, नौकरियों के लिए 50,000 युवाओं को ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। रोज़गार विभाग की बहुत अच्छी पहल है। आप यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है, जो हमारे दुष्यंत चौटाला डिप्टी CM हैं और जो अनूप दानक जो रोज़गार विभाग का डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। चंडीगढ़ में मंगलवार को युवाओं को ऑनलाइन कोचिंग के लिए वे MOU कार्यक्रम के दौरान दुष्यंत व अनूप दानक जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा के युवाओं के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। केंद्र सरकार व हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों तथा प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के लिए प्रदेश के युवाओं को ट्रेड किया जाएगा। UPSC, HPSC, HPSC, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, बैंक, डिफेंस के अलावा ग्रुप सी से लेकर क्लास 1 और नेट जैसी उच्च स्तर की तकनीकी परीक्षाओं के लिए युवाओं को ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। इससे पहले आपको बता दें कि पहले ही चरण में राज्य के 50,000 युवाओं को यह कोचिंग मिलेगी और कोचिंग के अलावा कोचिंग प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। प्रदेश के श्रम एवं रोज़गार विभाग द्वारा यह कोचिंग दिलवाई जाएगी। इसके अलावा विभाग ने M3M फाउंडेशन तथा ग्रेडअप के साथ MOU किया है। ग्रेडअप साथ इन्होंने भाई मतलब कोलैबोरेशन किया होगा उसके साथ जाकर के, बाद में इनका बेनिफिट तीनों का मिल करके आपको मिलने वाला है। मंगलवार को यह हरियाणा निवास में DPCM दुष्यंत चौटाला ने तथा श्रम एवं रोजगार विभाग के मंत्री जो कि अनूप दानक हैं मौजूदगी में इसका MOU पर साइन हुए हैं। MOU साइन होने के बाद मीडिया से बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि MOU प्रदेश के प्रतिभावी युवाओं को सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के में मील का पत्थर साबित होगा, जो कि पहले चरण में 50,000 मेधावी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से ग्रुप सी व ग्रुप डी की नौकरियों के लिए जो कि यहां पर कोचिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 70% ग्रामीण व 30% शहरी युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चौटाला ने कहा कि हर सप्ताह व हर मासिक इनकी तैयारी पर प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसमें टॉप 1,000 युवाओं को लाइव कोचिंग देकर ग्रुप ए तथा बी की नौकरियों के लिए भी तैयार करने की योजना है। जो होशियार बच्चे हैं उनको ए या बी में भेज दिया जाएगा। इस मौके पर रोजगार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TC गुप्ता, M3M फाउंडेशन की प्रतिनिधि पायल जो कि कनोडिया ग्रेडअप की प्रतिनिधि ऐश्वर्या व पंकज मौजूद थे। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन कोचिंग के लिए बेनिफिट दिया जाएगा। रोजगार विभाग की अनूठी पहल आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। बाय दोस्तों।